उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रायपुर थाना इलाके के दुबेपुर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक परिवार पर जादू टोना कर युवक की हत्या कर बलि देने का आरोप लगाया गया। एक परिवार पर जादू टोना में एक युवक की हत्या कर बलि देने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार वालों को लेकर आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, साथ ही वृद्ध दंपत्ति को घायल कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश इतना था कि सूचना पर पहुंचे एक सिपाही को भी हमलावरों का शिकार होना पड़ा और उसे भी सिर में चोटें आई हैं। इस घटना के बाद दुबेपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और गांव में रायपुर, मांची, पन्नूगंज और रामपुर बरकोनिया थाने की पुलिस दलबल के साथ पहुंच गई। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना था कि झूठा आरोप लगाकर एक बिरादरी के लोग गांव वालों के साथ मिलकर वृद्ध दंपत्ति को मारा पीटा और घर को तहस नहस कर दिया। वहीं मृतक युवक की मां का कहना था कि गांव के मंदिर के पास लड़कों द्वारा अंडा बनाकर खाया गया। जहां उसके लड़के को बर्तन धोने के लिए कहा गया तो वह दुकान से वापस आकर बर्तन धोने की बात कहकर चला गया। दुकान से वापस आने पर वह बर्तन धोने के लिए गया लेकिन वापस नहीं लौटा। लड़के को रात भर खोजा गया लेकिन कहीं पता नहीं चला और अगले दिन सुबह उसका शव कीचड़ युक्त गड्ढे में मिला। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर का कहना था कि दो दिन पूर्व हत्या का मुकदमा लिखा गया था जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया था, जिसमें एक दंपत्ति सहित एक सिपाही घायल हुआ है जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। यहां आपको बताते चले कि इस घटना की सूचना पर दुबेपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और गांव में रायपुर, मांची, पन्नूगंज और रामपुर बरकोनिया थाने की पुलिस मौजूद रही। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। लीलावती, ये किस लड़का जो मरा था वो क्या लगता था आपका? आपका बेटा था? हाँ सर। तो क्यों उसकी हत्या की गई? लाल हमारा आईना भाई है, टाइम से नहाई के खाए के लाल हमारा निकलना तो हमारे जो उनकर पापा तो नोनी ने लकड़ी का काम करता है सर, तो मन लड़कन संग तो हमेशा भाई दोस्त भाई तो पहना हमारे तो गैली सर तो दो चार लोग लड़का अंडा मंगाई का पूजन मंदिर के घर है सर, वही अंडा बनौना जा हम नहीं देखली कि नहीं कई लोग रहे सर। तो जब बाद में फिर गईली हमार मालिक फोन कहें कहें कि मनीष से आ रही थोड़ा सा भेज दा, तो गईली तो बर्तन निकाल के दो लड़का रहा, एक बीपी एक छोटू, बर्तन धोए जाते हैं सर। कहली भैया हो पापा तो हर मंगले हमारे आ रही जब पहुँचाएगा, तो लड़का बोले कि नहीं बर्तन माज ले तो जाए, तब कहे हमारे लड़का कि नहीं माँ थी पहुँचाए के तो बर्तन धोए, लड़का हमार पहुँचाए के आयल सर। हल मना ले ली थी इतना अपने लाल के दिली खोनो अब खाए के सर, कहे मम्मी हो हम आव बर्तन धोए कर, हमारे लड़का बर्तन धोए कर कुछ टाइम बीतल तो खोज लगली सर कहीं कोई नहीं ना मिले कहने लड़का के सर। फिर हमारे मालिक है ना 11 बजे रात में खोजली सर कि कोई ना बतौले सर, सुबह उठ के सर गाय से दूठे गोबर साफ कर दिले सर, तो कहें कि मार के एक ठे आदमी फेंका है वहाँ सर, तो गईली तो हमारे लाल के सर है पाइट रहे हुए यहाँ तक ले ऐसे ही रहे सर, यहाँ से यहाँ तक माटी पूरा छोप दिले ना जा सर, सर दूसरा जगह यही कोने सर चप्पल दूसरा जगह गली तो अपने लाल कैसे पकड़ ले सर, हमारे बिना गुनाई हमारे 16 साल का माल लड़का है ना सर, एक लड़का बार क्यों क्यों इसकी हत्या की गई? पहले से दुश्मनी आप लोग से परिवार से ना था? सर कोई दुश्मनी नहीं कोई थी? दुश्मनी लड़कों लड़कों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था? कभी नहीं सर, हमारा लड़का लॉकडाउन से रहा लॉकडाउन से आया था? नहीं काम कर रहा पड़ गया सर रात में। अच्छा रावट से रहता था? हाँ सर। तो 2 महीने से घर पे था? हाँ सर जब से लाग उड़ान तो का आपके परिवार से उनके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं कोई थी? दोस्ती नहीं दुश्मनी नहीं रहा सर, ऐसा नहीं करे। और पूनम यहाँ पे कौन क्या हुआ था यहाँ पे?
यहाँ उहे गोलू के कहीं सके माई के मुआ दिले माँ वही से बाऊ माई के मारब कहाँ माँ कौन घरे में बा निकला सब कुल मिलन के मुआ मार के। तो कौन लोग थे ये जो आपके यहाँ आए थे मारने के लिए? पूरा गाँव का कोहार जितना बस्ती बट रहा है पूरा लोहार और सब अहिर। तो क्या उनका आरोप है कि आप लोग के आपके घर वाले जो है उस लड़के की हत्या कर दिए हैं? हाँ इनका लड़किया बूढ़ा बूढ़ू का लड़किया जन बांध मतलब के माई के मुआ दिले माँ ओकरे लड़किया के ये कहता सब। कितनी संख्या में आपके घर पे लोग धावा बोले थे? कितनी संख्या में लोग थे आए? अरे सौ डेढ़ सौ पूरा रहल हुई यहाँ से अंगना फूला फूल रहल एक बाद पूरा दलान पूरा रहल दोनों फूल। तो ये क्या किस चीज कौन कौन सी चीज लिए थे वो लोग? हाँ वो सब कुल जो फराठी वराठी कुल ले मांसो लाठी गोजी कुल लेके आरन सो चकरी जात सब पटका तरन सो और ऐसे कुल बोल्डर उडर लेके आरन सो। केवल घर पे तोड़फोड़ किया कि किसी को मारे पीटे भी? मरलिन है सो तब खून उन बहल बाकु लाठी गोजी से कपार फूटल बट हाथ टूटी गल वाला था बुढ़ऊ को टेक कले जाता से मिले समय तो कहीं हथवा टूटी गल बटे कपड़ों फूटी गलवा बूढ़ा फूटी गलवा बेहोश हो गिर मैं बूढ़ा। तो और लोग कहाँ गए? अस्पताल ग्राम दुबेपुर थाना रायपुर के भरत विश्वकर्मा ने अपने पुत्र मनीष विश्वकर्मा की हत्या के संबंध में एक तहरीर थाना रायपुर पर आकर के दी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गांव दुबेपुर के ही रहने वाले गौरव मिश्रा ने उनके पुत्र मनीष विश्वकर्मा को आगे ले जा करके उसको मार दिया है। इस संबंध में पुलिस ने फौरन ही गिरफ्तारी करके गौरव विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। आज सुबह 8 बजे हत्यारोपित के परिवार पर वादी पक्ष और गांव के अन्य लोगों ने उनके घर में घुस करके हत्यारोपित के पिता राम निरंजन मिश्रा और माता सरस्वती देवी और अन्य परिवारजनों को उनके घर में घुस करके पीट दिया और उनके घर में तोड़फोड़ मचाई। फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को कंट्रोल किया। ग्राम बुगेपुर के जिन लोगों के द्वारा ये घटना करी गई उनको हिरासत में ले लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है उनकी तहरीर पर मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, मौके पर फोर्स लगा दी गई है, लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा भी उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.